저기 예! 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 मैं बड़ा होकर एक आविष्कारक, एक मौसम वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। अभी तक तो सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, लेकिन अब जब खुद करके देखा तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ रहा है। सीखने और सिखाने का ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगा, जहाँ हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। दरअसल पहली बार जब हम खुद से कुछ नया सीखते हैं तो हम ऐसा लगता है जैसे हमारी डिस्कवरी हो, और इसी से ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनता है। अच्छी बात तो ये है कि हम अपने आसपास के रोजमर्रा के मौसम की रीडिंग लेते हैं और फिर अपनी रीडिंग से अगले दिन के मौसम को एनालाइज करते हैं। पहाड़ों की जिंदगी जितनी खूबसूरत उतनी ही मुश्किल। पता नहीं मौसम का मिजाज कब कैसा हो जाए। अचानक तेज हवा, मूसलाधार बारिश और फिर लैंडस्लाइड। रोड बंद, जीवन अस्त व्यस्त। वैसे आजकल मौसम के मिजाज का ठिकाना तो कहीं भी नहीं। कब मौसम कौन सा रंग दिखाए ये सिर्फ मौसम ही जानता है, पर शायद हम भी मौसम को जान पाए, समझ पाए और अनुमान लगा पाए, यही यूप्रोब का प्रयास है। पर सबसे पहले जरूरी है मौसम और पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस तरह की सोच अगर बचपन से ही पैदा की जाए तो नतीजे ज्यादा फलदायी हो सकते हैं। यही कारण था कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सन 2002 में राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया। नाम था प्रोब, यानी शिक्षा को लाभान्वित करने के लिए रियल टाइम फील्ड ऑब्जर्वेशन में युवाओं की भागीदारी।
our understanding of weather in the hilly regions, particularly the foothills of Himalaya, has always been poor. Few years before, we launched a national mission on mountain meteorology to understand the weather in those regions and convert them into proper forecasts for the various end users, including the defense forces as well as the civil administration. At that stage, we realized that it cannot be done only through the official channels, but we have to involve the public at large in those regions, because they not only they live there and they could be party and they are also beneficiaries of such information, but they also have necessary skills to be part of this major exercise. When we try to look at it, again question came, the senior people, elderly people are already preoccupied with their own occupations. They have no interest in looking at new things, and they are also bold enough to look at new things. So we judged that it best would be to address the youngsters in the schools, because they are open for new ideas and they are technically informed and they also understand what is the importance of what they are doing. So it becomes a sort of an educational tool of the public, creation of awareness among the public, using the children as a medium. बच्चे आज ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो उनको कुछ इतना ठीक है, एक साल बाद उसी दिन लेते हैं तो वो देखेंगे कितना डिफरेंस है. अगर हम 10 साल बाद देखना चाहेंगे तो किस तरह से पहाड़ों पे बदलाव हुआ, किस तरह से प्लेन्स में चेंज हुआ, ये कंपेयर भी किया जा सकता है. तो ये एक प्रयोग हम लोग कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के लिए चुना गया उत्तरांचल राज्य को, इसलिए ये पायलट प्रोजेक्ट कहलाया यू प्रोब, यानी उत्तरांचल प्रोब. उत्तरांचल इसलिए क्योंकि पहाड़ी और पर्वतीय इलाकों में मौसम संबंधी आंकड़ों की हमेशा से ही कमी रही है. आंकड़ों की इस कमी को दूर करने के लिए स्कूलों में मौसमी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए शिक्षा में रोचकता, प्रतिभागिता, खोज, आविष्कार और वैज्ञानिक सोच की रुचि जगाने के लिए उत्तरांचल राज्य के 13 जिलों के 100 स्कूलों में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया. इस कार्यक्रम के तहत बच्चे अपने टीचर्स की मदद से अधिकतम न्यूनतम तापमान, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड डायरेक्शन और स्पीड जैसे मौसम संबंधी आंकड़े इकट्ठे करते हैं और हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्क्स के माध्यम से ईमेल द्वारा संबंधित नोडल सेंटर को भेज देते हैं. यू प्रोब में 6 नोडल सेंटर हैं. इन्हें TRC यानी टेक्निकल रिसोर्स सेंटर कहते हैं. यहाँ पर वैज्ञानिक इन आंकड़ों का विश्लेषण और अध्ययन कर शोध कार्यों में उपयोग करते हैं, साथ ही साथ पर्वतीय पर्यावरण से संबंधित अन्य रिसर्च प्रॉब्लम्स का भी अध्ययन करते हैं. टेक्निकल रिसोर्स सेंटर्स का मेन काम जो स्कूल्स के साथ में कोऑर्डिनेशन है, जो स्कूल्स में डेटा इकट्ठा होता है वो टेक्निकल रिसोर्स सेंटर्स को भेजा जाता है. टेक्निकल रिसोर्स सेंटर्स उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और उस डेटा को कंप्यूटराइज करते हैं. उस कंप्यूटराइजेशन के बाद उस डेटा को जो है अपनी रिसर्च स्टडीज में यूज़ करते हैं.